हेलो दोस्तों, आज मैं मेहंदी डिजाइन आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ। बहुत ही कम समय में आप फुल हैंड मेहंदी डिजाइन बना सकते हैं और किसी भी कस्टमर को आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख ही पा रहे हैं, मैं जैसा कि फ्रिल बना रही हूँ अभी, एक लाइन मोटा सा ड्रॉ करके, और हम लोग इस तरीके का फूल बनाएंगे। और बहुत कम एलिमेंट आप यूज़ करके और पूरे हाथ को बहुत ही कम समय में आप भर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे हाथ होते हैं लगाने के लिए और समय बहुत कम होता है। तो इस तरीके से आप जो मेहंदी लगा करके कस्टमर को खुश भी कर सकते हैं और मेहनत भी काफ़ी कम लगेगा। और फ्रिल जब आप बनाते हैं तो फ्रिल थोड़ा लंबा करें, तो इससे क्या होगा कि आपका स्पेस थोड़ा ज़्यादा मतलब भरते जाएगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, और फ्रिल बनाने में हम लोगों को मेहनत भी कम लगता है, और इस तरीके का लाइन हम लोग पतला पतला ड्रॉ कर देंगे, ये भी एक डिजाइन हो जाता है और काफ़ी स्पेस भी ले लेता है ये, तो लोगों को काफ़ी भरा भरा भी लगता है और लोगों को मेहंदी जो है भरा भरा ही ज़्यादा पसंद आता है, विशेषकर शादी ब्याह के मौक़ों पर। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए डॉट डॉट मैंने दे दिया है, और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। और कोई भी आप मेहंदी का डिजाइन बनाते हैं उसमें क्लीन मतलब साफ सुथरा रहना चाहिए, तभी आपका मेहंदी का डिजाइन अच्छा लगेगा। और किसी भी डिजाइन को आप एकदम सेम टू सेम नहीं बना सकते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा डिजाइन मुझे चाहिए, तो ऐसा डिजाइन होता है लेकिन एकदम सेम नहीं हो पाता है, क्योंकि हाथ किसी का बड़ा होता है, किसी का छोटा, और कहीं आप मतलब ड्रॉ किया हुआ, जैसे पेंट किया हुआ देख रहे हैं, तो वो चीज़ हाथों पर एकदम सेम अप्लाई नहीं हो पाता है। तो कुछ डिजाइन आप अप्लाई कर सकते हो लेकिन एकदम सेम टू सेम कभी नहीं हो सकता है। तो आप लोग देख ही पा रहे हैं किस तरीके से मैं एलिमेंट को यूज़ करके हाथों को बहुत ही कम समय में भर रही हूँ। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्रिल का इस्तेमाल करें, और ये जो फूल है ये भी बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है और बहुत ही आसानी से बनाया भी जाता है, मतलब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि फुल हैंड मतलब हाथ जैसे चार हाथ हो जाते हैं, एक इंसान के चार हाथ हो जाते हैं, तो पूरा लगाते लगाते हाथ का कमर और गला का एकदम हालत ख़राब हो जाता है, जैसा कि आप लोग समझ ही पा रहे हैं। तो ये जो मेहंदी है मैंने 15 से 20 मिनट में लगाया था, एक तरफ का मेहंदी, बहुत ही मैंने एकदम भरवा मेहंदी लग रहा था, मतलब कहीं भी खाली खाली नहीं लग रहा था। और ये जो मैं एलिमेंट यूज़ कर रही हूँ, आप लोग इसके बदले में चाहे तो दूसरा भी कोई इजी सा एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हम लोग काफ़ी मोटिवेट होते हैं वीडियो छोड़ने के लिए। और इससे मतलब मेहंदी से जुड़ी कोई भी इम्पॉर्टेंट इस तरीके का जो ट्रिक होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगी। और हाथ पूरा कितना प्यारा लग रहा है आप लोग देख ही पा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।